एक अज्ञात शक्ति है अवश्य जो पूरी दुनिया को चलाती है, तो दिखती नहीं है। हमारे शरीर में भी तो आत्मा कहां दिखता है, शरीर ही तो दिखता है। बहुत से लोग कहते जो दिखता नहीं मैं उसको मानता नहीं, मैंने कहा तुम दिखाई देते हो, ये हवा दिखाई देती, ये शब्द दिखाई देते, न दिखने वाला ही सत्य है। शरीर अनित्य है, जो दिखता है वो अनित्य है, वह शाश्वत नहीं है। जो न दिखने वाला है वो शाश्वत है। सुबह उठ के भगवान का धन्यवाद करना, माता पिता को प्रणाम करना, इससे एक काम ये होगा दिमाग ठीक रहेगा। सुबह उठ के जो झुकते हैं ना, एक आसन हो जाता है, उससे हमारे ब्रेन को, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीनियल ग्लैंड को ऑक्सीजन सप्लाई पूरा हो जाता है, हमारे हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है। तो सुबह उठ करके आप झुकेंगे तो हार्ट को ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होगा, ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा, क्योंकि झुकने के लिए कमर से झुकना पड़ता है, यो हाथ रखने पड़ते हैं। ये तरीका है, माँ बाप के बाएं पैर पर बायां हाथ, दाहिने पैर पर दायां हाथ, ये झुकने का तरीका है। आप बड़ों को भी सिखा देता हूँ, ये जितने भी भव्य हैं ये अपनी सास से सुबह उठकर के प्रणाम कर लें तो सास का अहंकार चूर चूर हो जाएगा, उस बहू के साथ झगड़ा करना ही बंद कर देंगे। कल से ट्राई कर लेना, यदि ना हो तो मुझे बता देना। सारा मामला अकड़ का है, ये अकड़ ढीली हो जाए तो झगड़ा ही सारा खत्म हो जाए। सास और बहू में झगड़ा किस बात का, सारा अकड़ अहंकार और कुछ भी तो नहीं। सास को बहू से भी प्यार करना चाहिए, माँ बाप को भी झुक करके प्रणाम करो। घर में ही गंगा यमुना सरस्वती सब तीर्थ घर में ही माँ बाप होते। ये देखो, ये सब हमारी जो संस्कृति थी इसमें ये जो झुकने वाली बात थी उसका बहुत साइंटिफिक रीजन है। हमारा रिलीजन, रिलीजन शब्द अच्छा नहीं मानता मैं, हमारा जो स्पिरिटिज्म, हमारी आध्यात्मिकता, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, उसमें जो बिंदु थी सुबह उठ के प्रणाम करना। फिर क्या करना, माता पिता को जो पहली बार, रोज करो ना, उठ के जब पहली बार मिलते हो माता पिता से, गुरुओं से, बड़ों से प्रणाम कर लो। फिर देखो, सुबह उठ के पानी पीना, जिनको जोड़ों में दर्द है। अब छोटी छोटी बातें आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई एक सिरे से मैं बताता जाता हूं, उनकी परिपालना करना, आपकी जिंदगी बहुत आनंदपूर्ण होगी, जीवन को एक उत्सव की तरह जी सकोगे, बीमारियां आपके आसपास नहीं फटकेंगी। सुबह उठ के पानी पीना, 1 से 4 गिलास, ज्यादा भी नहीं पीना। कुछ लोग 2-2 लीटर पानी पीते रहते, फिर पेट भारी हो जाता है, फिर कहते गैस बन रही। मैंने कहा बनेगी, 2 लीटर पानी पीने के लिए किसी ने कहा था, बोले जी वाटर थेरेपी कर रहा है। ये 2-2 लीटर पानी पीना बंद करो, 2 से अधिकतम 4 गिलास, इससे ज्यादा पानी मत पीना। याद रखना, जिनको सर्दी जुकाम है, जिनको कफ अस्थमा है, जिनको जोड़ों में दर्द है, ज्वाइंट पेन है, जो मोटे मोटे लोग हैं वे गर्म पानी पिए। जिनको जोड़ों में दर्द, कफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, मोटापा है, वे गर्म पानी पिए, ठंडा पानी ना पिए। जिनको एसिडिटी है वो नॉर्मल पानी पी ले। गर्म पानी पीने से वजन घटता है, गर्म पानी पीने से अस्थमा कफ दूर होता है, और गर्म पानी पीने से जोड़ों का दर्द भी कम होता है। फिर सबको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। सुबह उठ के पानी पीने से पहले एक काम और किया करो, मुंह में थोड़ा पानी भर के और आंखों पर छींटे मार लिया करो ठंडे पानी की, इससे आंखों की ज्योति बढ़ती है। 100 साल तक आंखों पर चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं, यदि सुबह उठ के रोज पानी पी ले आप, आंखों पर ठंडे पानी से छींटे मार ले आप, और हरी सब्जियों का प्रयोग कर ले। जितने भी पशु पक्षी हैं, जब तक वो जीते तब तक उनकी आंखें बराबर काम करती हैं। कभी आपने सोचा, अब आगे कभी कोई लगाना पड़ जाए तो अलग बात है, आज तक किसी भी पशु पक्षी ने चश्मा नहीं लगाया, सब उम्मीद आंखों से देखते। ना किसी को ब्लड प्रेशर होता, ना किसी को शुगर होती, ये सारी आदमी को क्यों होती है, सारा काम इसकी खोपड़ी का है। इसको ठीक रखो, इसको ठीक रखने के लिए तो प्राणायाम करना ही है, साथ में दिनचर्या भी ठीक रखो। पानी पीने के 15-20 मिनट बाद प्राणायाम कर सकते हैं, 15-20 मिनट बाद प्राणायाम कर सकते हैं पानी पीने के, और प्राणायाम करने के 15-20 मिनट बाद कुछ भी खा पी सकते हैं। स्नान आदि करके प्राणायाम कर सकते हैं, और प्राणायाम करने के 15-20 मिनट बाद स्नान कर सकते हैं। देखो 15-20 मिनट का मैंने बोला है, ऐसा नहीं कि एक तरफ तो आपने आधा 1 घंटा 2 घंटा पूरा प्राणायाम किया और तुरंत जाके स्नान कर लिया, ये नुकसानप्रद हो सकता है। और प्राणायाम करने के बाद तुरंत चाय आदि नहीं पीना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मैंने शेखावत साहब को तैयार किया कि आप प्राणायाम करो, आपके लिए बहुत जरूरी है। वो प्राणायाम करके पहले दिन चाय का प्याला पी लिया, बोले ये तो गड़बड़ होगी स्वामी जी। मैंने कहा मैंने नहीं कहा था चाय नहीं पी ली, आपको चाय नहीं पीना तुरंत प्राणायाम के बाद। प्राणायाम के बाद आप क्या पिए,
15-20 मिनट बाद लौकी का जूस पिए, 15-20 मिनट बाद आप जो है दूध पिए, फल खाएं, लेकिन ये क्या करता है, ये कपाल भाती करके पराठा भाती शुरू कर देता है, ये गड़बड़ है। खाने पीने पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा आपको। तो सुबह उठ करके प्राणायाम आदि करने के बाद गेहूं का जवारा पियो, 2 घंटे बाद नाश्ता। मैंने बताया था आपको, सुबह जिनका हीमोग्लोबिन कम है वे मुनक्का लें। मुनक्का लेने से 8-10 मुनक्का, 3 अंजीर, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। मुनक्का अंजीर दूध में लीजिए आप, या खाकर के ऊपर से दूध पी लीजिए, गेहूं का जवारा पीजिए आप, गिलोय का उसमें रस डाल दीजिए, गिलोय गीली ना मिले, गिलोय अमृता गुरुची गुर्च गुड़बेल कई नाम है उसके, गिलोय यदि ताजी ना मिले तो सूखी डाल दीजिए। सुबह ये आप नेम बना लीजिए, बहुत अच्छी चीजें है। अब घर में गेहूं का जवारा बोल लीजिए ना आप, और दुनिया भर की चीजें खाते पीते हैं आप, देखो मौसमी के जूस से, नारंगी के जूस से, और महंगी महंगी चीजों से सबसे अच्छा है गेहूं का जवारा पियो। अब बारी आती है अन्य रोगों की, एक एक रोग के बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले एक बात ध्यान से सुन लो, अभी आपको हम प्राणायाम भी बताएंगे। सब रोगों की एक दवाई हमने निजात की है, वह है प्राणायाम। प्राणायाम माने वो प्राण, प्राण माने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मेडिसिनल वैल्यू पता नहीं था हम लोगों को, हमने प्रयोग किया तो पता लगा, अरे ये ऑक्सीजन खाली जिंदा रहने के काम नहीं आता, इस ऑक्सीजन को ठीक मात्रा में लिया जाए तो इससे कैंसर भी अच्छा हो जाता है, इससे हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाते हैं, इससे हेपेटाइटिस मिट जाता है। हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों मैंने ठीक किए। प्राणायाम तो करना पड़ेगा आपको, साथ में घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक औषधियां भी आपको हम बताएंगे असाध्य रोगियों के लिए। एक खास बात आपको बताता हूँ, बीमार आदमी क्यों होता है, ये बीमारियां आदमी को क्यों होती है, हमारे जो बॉडी के सेल जब उनको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो निष्क्रिय होने लगते हैं। एक एक्टिव सेल है, एक नॉन एक्टिव सेल है, डेड सेल है, जिससे डिजनरेशन होता है, बीमारियां पैदा होती है, बुढ़ापा आता है। और जब बॉडी के सेल एक्टिव होते हैं, जब बॉडी के सेल जनरेट होते हैं, तब हमारा यौवन आता है, शरीर बढ़ता है, हड्डियां बढ़ती हैं, विकास होता है। तो बॉडी के सेल को एक्टिवेट कैसे किया जाए, इसी थेरेपी का नाम है प्राणायाम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पूरा सिस्टम, इंटरनल एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन कैसी, किसकी एक्सरसाइज करते हैं, डंबल उठाते हैं, वजन उठाते हैं, भार उठाते हैं, मसल बना लेते हैं, लेकिन मेरे भाई ये मसल कहीं काम नहीं आएंगे यदि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैंने मसल्स मैन को देखा है कैंसर होता हुआ, और पूरी दुनिया में आप देखते जो मसल मैन है उनको कैंसर हो रहा है, जो दौड़ते फिरते लोग हैं जो है खिलाड़ी भी बीमार होते जा रहे हैं, तैराक अच्छे अच्छे वो भी बीमार हो रहे हैं, रोज मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं लेकिन किसी का भी बीपी क्योर नहीं हुआ, कंट्रोल है, मेंटेन है, मेंटेन 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 मेंटेन, सब मेंटल हो गए, सब करते बीमारियां दवाओं से भी मेंटेन। और ये दूसरी फिजिकल एक्सरसाइज, योग में एक्सरसाइज तो हम कराते हैं, इंटरनल एक्सरसाइज। अब बोले जी यह ऊपर की व्यायाम बता दो कोई, अब ऊपर का व्यायाम एक तो यूं कर लेगा कोई, ये ऊपर का व्यायाम, ये गर्दन का व्यायाम हुआ, लेकिन अंदर जो खोपड़ी है तेरी, अंदर जो ब्रेन है, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड है, उसका एक्सरसाइज कैसे होगा। अब आंख का एक्सरसाइज, एक तो आंख की एक्सरसाइज होगी, देखो लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, आंख के पीछे की जो नस है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसके कारण से दृष्टिहीनता आती है, जिसके कारण से फिर आगे चल करके रेटिना की कॉर्निया की प्रॉब्लम आती है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम आती है, यूवेटस की प्रॉब्लम आती है, जिस बाद में फिर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन ही प्रभावित होता है, तो फिर उससे क्या होता है, ग्लूकोम आता है, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आती है। उसमें हम बताते हैं नींबू 1 चम्मच, नींबू का रस, सफेद प्याज का रस, सफेद न मिले तो नॉर्मल प्याज ले लेना, नींबू का रस, प्याज का रस, अदरक का जिंजर का छिलका उतार के अदरक का रस 1-1 चम्मच, शहद आश्रम का ले लेना प्योर मिल जाएगा, बाकी नहीं और कहीं बाहर से भी प्योर मिल जाए तो ले लेना, 3 चम्मच ये रस, नींबू का, अदरक का, अदरक का छिलका उतार के प्याज का, 3 चम्मच शहद मिला देना, इसको रखना,
बीस पच्चीस साल से उम्र वाले तो डालेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, बच्चों को डालना तो थोड़ा गुलाब जल मिला के डालना इसमें, ये एक एक बूंद आंख में डालना। कैटे ग्लूकोमा, अच्छा मैंने किया है, अच्छा कैटे को भी ग्लूकोमा को साथ में प्रणाम। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।